हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कौटिल्य मैच में। क्या हाल चाल मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन लाइव चैट के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा दो, जय हिंद जय कॉमर्स लिख के सुपर डुपर फास्ट तरीके से सारे बच्चे जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा देर वेट नहीं चलेगा। फटाक से टन 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 आओ आओ आओ, जल्दी आओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं गुड इवनिंग बोलिए, वेरी गुड इवनिंग। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समय पर आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों को बहुत परेशानी होती है थ्योरेटिकल बुक को याद करने में। यहाँ पर उनका ये झंझट खत्म कर देते हैं चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करके, ताकि बच्चे बहुत आसानी से अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को मन के अंदर बसा सके। तो दोस्तों आज की क्लास में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 वाले लेक्चर का सब चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसको आप प्यार से एलपीजी पॉलिसी वाला चैप्टर भी बोलते हो। रीकैप जरा आपको थोड़ी सी दे दूं कि पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग कर लिया था और इसके कॉजेस यानी नीड क्या थे, और उसमें तीन आइटम होते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें से लिबरलाइजेशन को हैंग कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। और आज बारी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और नोटबंदी। कौन सी बंदी? नोटबंदी। ये सारे आइटम्स करेंगे आज की क्लास में हम, और मजेदार तरीके से कर लेंगे। देखो इस चैप्टर की रूपरेखा हमेशा 1991 से स्टार्ट होती है, जब हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। तो उसमें तीन कंपोनेंट थे मेजर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बात करेंगे सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन, ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्राइवेट प्राइवेट हो रहा है, प्रिवेसी वाला प्राइवेट नहीं है। देखो जी 1991 में क्या था, हमारे देश की सरकार ने कुछ कंपनीज को चलाने में थोड़ी सी गड़बड़ी करी होगी। इस वजह से हमारे देश की सरकार की जो कंपनी थी ना, जिसको हम बोलते थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें गड़बड़ी हो रही थी। तो सरकार ने क्या किया, कुछ कंपनीज को तो सीधा उठा के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ले भाई हमसे ना हो पाएगा तू कर ले। प्राइवेट सेक्टर कौन है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा सबसे बड़ा काम क्या हुआ, एयर इंडिया, सरकारी एविएशन कंपनी है ना। तो एयर इंडिया सरकार ने बोला हमसे ना चल पाएगी, तो एयर इंडिया उठा के प्राइवेट सेक्टर यानी टाटा को दे दी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी 1991 में, और धीरे धीरे काफी सारी कंपनीज में सरकार ने बोला कि 100% जो हमारी है उसमें से थोड़ी थोड़ी हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। क्या किया, जैसे कि अभी हाल फिलहाल आप जानोगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC है, सरकारी कंपनी है, बिल्कुल है। सरकार ने उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा अभी मार्केट में बेच दिया था प्राइवेट सेक्टर को। तो सरकार जब ऐसा करती है तो सरकार को पैसा मिलता है, और एक अच्छा टैलेंट भी बाहर से आता है कि हाँ, जो उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। तो मुद्दे की बात अगर आप सुनोगे, बात चल रही है 1991 की। 1991 में सरकार ने अपनी काफ़ी सारी कंपनीज को पूरा प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट और ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी, तो प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, इसको भी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का प्रॉपर मतलब होता है देश की ग्रोथ में, देश की तरक्की में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर का रोल आप देश में कैसे इंक्रीज करोगे, बहुत प्यारी पक्खन मनाई वाली भाषा में, जैसे मैंने बोला है वैसे लिखा हुआ आपके लिए, बस हरा रंग थोड़ा पतला कर लूं। देखो जी, प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। आसान सा प्रोसेस है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे, कैसन बात, जैसे इन द ऑनरशिप और मैनेजमेंट, मालिकाना हक देंगे या उनको मैनेज करने के लिए कुछ देंगे, किसमें, ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट का मतलब यहां पर राज्य नहीं है, आपकी किताब के हिसाब से स्टेट का मतलब है सरकार। तो सरकारी कंपनीज हैं उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को हम कुछ देंगे। अब क्या किया, या तो गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी ओनरशिप सरेंडर कर दी अपनी कंपनी सर, जैसे टाटा को दी अभी एयर इंडिया, या फिर सरकार ने अपनी कंपनी का छोटा सा शेयर बेच दिया, जैसे अभी LIC के साथ किया है। ठीक है जी,
तो पेपर में आ जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, कौन सा मेजर था, मेजर मेजर कौन सा मेजर्स था वो बताओ बाबू। जैसे लिबरलाइजेशन में 5 मेजर्स करने थे, प्राइवेटाइजेशन में आप 2 पॉलिसी अडॉप्ट जो की थी या मेजर्स किए थे वो कर लो, काम चल जाएगा। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सरकार ने काफी सारी कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, जा पल्ले कर ले ऐसे बोल दिया सरकार ने। और काफी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सरकारी कंपनी के शेयर बेच दिए। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल देश के अंदर बढ़ने लगा। ये तो प्राइवेटाइजेशन है, यही खत्म हो गया। देखा इत्तू सा था। अब कौन आएगा? अब आएगा उस्ताद ग्लोबलाइजेशन, समझे? ग्लोबलाइजेशन, लो जी मैंने ये करा दिया, डन। आ जाओ धीरे धीरे, अरे अय्या ऐसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा, है मजा आ गया है? अब करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है वो ग्लोब से बना है। ग्लोब मतलब एंटायर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम इंटरनेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। आप समझना चाहते क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलो या बोलो इंटरनेशनलाइजेशन। देखो जी आपको सीधी बात बताता हूं, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था तो उन्होंने ट्रिक यही लगाई थी कि पहले वो हमारे देश में आए, एक कंपनी खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उस कंपनी के थ्रू अपने आप को वो बढ़ाते चले गए और अपने देश से फिर सेना भी लिया है, बम बारूद गोला सब कुछ लिया है और हमारे देश पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने यही तो किया था। इंडिया को आज़ादी के बाद भी ऐसा लगता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है, तो हमारा देश चाहता ही नहीं था कि बाहर से कंपनियां अब दोबारा देश के अंदर आएं और बिजनेस करें, है ना, चाहता ही नहीं था। लेकिन आज हम उस पावर में हैं कि अब हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, बल्कि हम कैप्चर कर लेंगे चाहे तो किसी को। ऐसे अंग्रेजों से अब नजरें उठा के हमसे बात ना करें, क्योंकि जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ा है और पेलम पेली भी कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा उनको, ठीक है? तो हमें अब नहीं बीट कर सकता कोई, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम अंग्रेजों को वेलकम करते हैं। आजा बे आजा, अपनी दुकान खोल ले, कंपनी खोल ले, पेप्सी आजा, कोका कोला आण दो, पैनासोनिक आण दो, सोनी आण दो, सैमसंग आण दो, एप्पल आण दो। तो हमने बाहर की कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करना अलाउड कर दिया है। तो दोस्तों जो ये हम बिजनेस के साथ फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर चल रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए जो हम फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर चल रहे हैं, इस मिलाप को बोलते हैं हमारा इंटरनेशनल लेवल पर आना। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। प्यारी भाषा में अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो कि ग्लोबलाइजेशन किसको बोलेंगे, एक इकोनॉमी का विदेशी कंट्री से जुड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बहुत प्यार से लिखी है, आप देखना जरा डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव होता है। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वन इकोनॉमी या फिर वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक देश का बाकी बची हुई दुनिया से जुड़ना ग्लोबलाइजेशन है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन। जहां पर आपने लिखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप उसको हटाकर फॉरेन कंट्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है जी? ओके रिपोर्टर जी, अब ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के लिए किया क्या हमारे देश की सरकार ने, क्या ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया, बात सुनो मेरी। हमारे देश की सरकार ने जो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती थी, जो भी पैसा फॉरेन कंट्री से हमारे देश के अंदर लगाया जाता है, उसको कंपनीज में जो ब्रांच खोलने के लिए लगाया जाता है उसको हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसकी इक्विटी लिमिट बढ़ा दी। इक्विटी लिमिट क्या होता है, फॉरेन कंट्री की कंपनी जब हमारे देश में पैसा लगाएगी तो पैसा लगाने के बाद उस कंपनी की एक ऑनरशिप की लिमिट, ऑनरशिप की लिमिट को बोलते हैं इक्विटी लिमिट, हमारे देश ने डिसाइड कर रखी थी। कि आपको बताऊं 1999 के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस की कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती है तो वो मैक्स टू मैक्स 26% तक पैसा लगा सकती है पूरी टोटल ओनरशिप में, लेकिन फिर इसको इंप्रूव करके हमने आज बोल दिया 49% तक लग सकता है। अलग अलग बिजनेस में रुकावटें लगा रखी थी, तो धीरे धीरे वो रुकावटों को खत्म करके बोल दिया फॉरेन कंट्री को, तुम ज्यादा पैसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में मौज मारो। दूसरा,
रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैरिफ, टैरिफ का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को काफी हद तक कम कर दिया, ओके रिपोर्ट है। ये बेसिक सा पॉइंट कर लो, इससे ज्यादा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, पॉइंट्स तो और भी बन जाएंगे इसके, ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसा बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक शब्द बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यानी जब सरकार ने ढील बरतनी शुरू की, खुलापन दिया, उस वजह से हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आया। आप देखोगे 91 के बाद हमारे देश के अंदर बाहर से कंपनी आनी शुरू, मेजर कंपनीज पेप्सी, कोका कोला, सैमसंग, एप्पल, ये सब 1991 के बाद आई है, चाहे जिस मर्जी ईयर में आई हो, अलग अलग ईयर में आई हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश में एक हो गई आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब आप समझ लेना, क्योंकि आउटसोर्सिंग हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है, इट इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आउटसोर्सिंग होता क्या है? देखो जी, हमारे प्यारे देश भारत में आया टेस्ला। टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है, कार बनाने वाली, बेंगलोर के अंदर इनने प्लांट खोल लिया। अब देखो यार, जब एक कार बनती है, इलेक्ट्रिक कार में और ऑटोमेटिक कार के अंदर बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, टेस्ला, तो जब ये कार बनाता है तो कार बनाने के लिए काफ़ी सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो इसकी कंपनी अमेरिका में, उसमें इंजीनियर्स होंगे बहुत सारे। अब उस कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे एक गेट पे खड़े होने के लिए, अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए वहाँ पर अकाउंटेंट्स और सीए भी होंगे, पॉलिसी बनाने के लिए मैनेजर्स और पॉलिसी मेकर्स भी होंगे। इलॉन मस्क के पास बहुत सारा ढेर सारा स्टाफ है अमेरिका में, यूएसए में इसके पास बहुत बड़ा स्टाफ है। इसने बेंगलोर इंडिया में अपना प्लांट बना दिया, यानी इलॉन मस्क जब इंडिया आएगा तो वो ढेर सारे, मान लो 1000 बंदे हैं, 1000 के 1000 बंदों को बेंगलोर लेके आएगा कि चलो भाई इंडिया में धंधा करते हैं, 1000 के 1000 आ जाओ। ना 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 ना, इलॉन मस्क इंडिया में आएगा मेन मेन बंदों को लेके, बाकी सारा काम इंडिया के लोगों को करने के लिए दे देगा। यानी जो नॉर्मली गाड़ी वाड़ी बनती होगी इंजीनियर से, उनको तो ले आएगा, अब बाकी जो अकाउंट की सर्विस है, कॉल सेंटर की सर्विस है, सिक्योरिटी की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, ऐसी बहुत सारी सर्विस वो इंडिया से ही लेगा। तो दोस्तों, जब कोई कंपनी इंडिया में आ रही होती है तो वो बहुत सारी सर्विस इंडिया से लेती है, तो ये सर्विस का काम इंडिया को देना, तो ही बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब हमने काम किसी थर्ड पार्टी को दिया है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इसको हटाओ, येलो कलर का यूज अब यहां पर आपको करना सिखाता हूं। आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी। एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें आप ऐसी कंपनी को हायर कर रहे हो जो आपके बिजनेस से बाहर है। टेस्ला कंपनी है, वो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, या लॉयर की सर्विस या अकाउंट्स की सर्विस लेगी, से लेगी। इंडिया में कोई जो दूसरा बंदा होगा उसकी फर्म से लेगी, तो अपने बिजनेस से बाहर जाके सर्विस परचेज कर रही है। इसलिए टू परफॉर्म सर्विसेज और क्रिएट गुड्स, क्रिएट मतलब प्रोडक्शन, वो कार बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो बाहर से ले रही है। कार बनाने के लिए अकाउंट्स की भी जरूरत होती है, लॉयर की भी जरूरत होती है। टेस्ला कंपनी पे कोई केस करेगा तो अमेरिका से वकील नहीं, इलॉन मस्क इंडिया से बंदा ले लेगा, समझे? दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब दोस्तों, अपने प्यारे देश भारत के लिए आपको एक बात बताता हूं, एग्जांपल, कोई बोल दे कि ऐसी कौन सी सर्विस है जिसका इंडिया आउटसोर्स कर रही है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको कॉल सेंटर भी बोलते हैं, सिक्योरिटी सर्विस भी है, केपीओस भी हैं। केपीओस मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये एग्जांपल है का इंडिया आउटसोर्स करती है। अब आपको मुद्दे की बात जाननी है, मुद्दे की जगह जाननी है यहां पर कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फेवरेट मक्खन मलाई डेस्टिनेशन क्यों है, व्हाई इंडिया इज फेवरेट, इंडिया इज फेवरेट डेस्टिनेशन। आउटसोर्सिंग
जब भी किसी को कोई काम आउटसोर्स करना होता है, इंडिया ही फेवरेट क्यों है बताओ? ये बहुत सारे कारण हैं। आपको एक कारण पाकिस्तान से लिंक करके, पाकिस्तान के अंदर देखा आपने, आप प्रवल श्रीवास्तव क्या बात कर रहे हैं, सुनो, पाकिस्तान के अंदर एक बात है यार, पाकिस्तान के अंदर सरकार बार बार धड़ धड़ बदलती रहती है, कभी आर्मी अटैक कर देती है सरकार पे, है मैंने तो देखा, वो परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री चेंज कर दिया यार, अभी वो इमरान खान को चेंज कर दिया कि आर्मी ने, है ना, गड़बड़ी करते रहते हैं वहाँ पर, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसी एक कंपनी को अलाउ किया कि तू आ जा इंडिया में बिजनेस कर ले, ठीक है जी, तख्ता पलट हो गया एकदम से, आर्मी ने प्रधानमंत्री को हटा दिया और खुद राज करने लग गई पाकिस्तान पे आर्मी। आर्मी ने अब बोला कि जो प्रधानमंत्री ने कंपनी पाकिस्तान में बुलाई थी वो हमें पसंद नहीं है, भगाओ। तो पाकिस्तान में ना जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बाहर के देश या बाहर की कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन इंडिया का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत स्टेबल है, यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई अटैक कर दिया, वो हो गया सरकार ही बदल गई। अब जो सरकार आ गई है वो सक्सेसफुली अपना टाइम पीरियड रन करती है, वो रीज़न ऐसा नहीं होता कि आर्मी यहाँ पर कुछ अटैक करेगी। आप भी देख रहे हो सरकार में डिबेट्स होते होंगे लेकिन सरकार चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जो बोले कि पुरानी सरकार ने जिस कंपनी को वेलकम किया था उसको हम भगा रहे हैं। इंडिया का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो इसका रीज़न पेपर में आ जाता है कि ऐसा क्यों है कि भारत को इतना अच्छा माना गया है आउटसोर्सिंग के लिए। तो पहला रीज़न मैं मुश्किल वाला लिखवा रहा हूँ, इंडिया का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत स्टेबल है, स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब तुम जानोगे, मेन चीज़ आपको पहले ही पता थी इसलिए मैंने वो बताई नहीं, कंपेरेटिवली इंडिया की लेबर बहुत सस्ती है, चीप लेबर मिल जाती है, सस्ते में काम हो जाता है। तो भाई बाहर के देश तो करवाएंगे ही काम, फिर चीप लेबर। अब तुम्हें पता है एप्पल कंपनी टाटा कंपनी से इंडिया के अंदर मोबाइल फोन बनवा रही है, सस्ता पड़ेगा, सस्ता बनेगा। और बताता हूँ, इंडिया में कोई ऐसे नहीं है अनपढ़ का बस्ता भारी नहीं है, अब इतना इंडिया में क्वालिफाइड लोग है भाई, पढ़े लिखे लोग बहुत है, समझ लो टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया में क्वालिफाइड लेबर भी मिलती है, क्वालिफाइड लेबर बोल लो या पर्सोनेल बोल लो एक ही बात है, क्वालिफाइड मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं कम पैसों में। कौन है भाई जो बढ़िया चॉइस नहीं लेगा, इंडिया में आएंगे, इंडिया में काम करेंगे, बोलेंगे जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, है? चलो जी। और बाबू इंडिया में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, एक वर्ड यूज करूंगा बुरा मत मानना कोई, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बढ़िया क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंट रिसोर्सेस आर अवेलेबल। इंडिया में अबंडेंट रिसोर्सेस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्सेस की कमी है। लेकिन 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 मुद्दे की बात है, चिड़ने वाले चिड़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है, क्या आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए सही है? हाँ भाई, आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए सही है कि जब बाहर की कंपनी टेस्ला पैसला कैसला आती है इंडिया में कुछ बोल लो, तो इंडिया के लोगों को नौकरियां देती है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। तो आउटसोर्सिंग इज बेनिफिशियल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, नंबर वन एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और दूसरा अगर मान लो इलॉन मस्क इंडिया में आएगा टेस्ला कंपनी लेकर, तो गाड़ियां बनवाएगा वीआईपी, जो भी गाड़ियां होती है चाहे वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, तो इंडिया के लोग भी तो जान जाएंगे कैसे टेस्ला कार बनती है, कैसे आईफोन बनता है। हम टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज हम दूसरे देश की थ्रू जान लेंगे, तो आउटसोर्सिंग से हम टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है जो कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट, एडवांस का मतलब हाई फाई टेक्नोलॉजी होती है, वो भी हमारे देश में आ रही होती है। और दोस्तों एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। जब बहुत सारी कंपनियां तुम्हारे देश के पैसा लगा रही है, काम धंधा कर रही है, सक्सेस कोई भसड़ नहीं हो रही, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम होता है कि हाँ भाई ये देश के अंदर सक्सेस काम हो रहा है। अब तुम एक बात बताऊं, एप्पल के फोन बनाने की सबसे बड़ी कंपनी चाइना में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी नाम है, वो थी वहां पर, एम्प्लॉइज की लड़ाई हो गई सिक्योरिटी गार्ड से, कितनी बेइज्जती हुई,
अब इंडिया में वो जिम्मा टाटा जी ने ले लिया, पता है ना, फिर टाटा ने काम ले लिया तो फिर बढ़िया लेवल पे, ठीक है। और दोस्तों इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी यहां पर बढ़ोतरी का एक रीजन बनती है, तो दिस इज गुड फॉर इंडिया। वो क्योंकि पता है क्या, जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करती है, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको हेडिंग बता दी है, ये नोट्स आपको अपनी ऐप पे मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे नोट्स वाले सेक्शन में, इसे बोलते हैं आपके पीडीएफ नोट्स। लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको इस चैप्टर की लास्ट वाली क्लास में मिलती है, तो ये चैप्टर अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे। अभी तो काफी हद तक हम इस चैप्टर की कहानी खत्म कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं, नया टॉपिक आपका डीमोनेटाइजेशन का क्लास का लास्ट टॉपिक है, हो गया है लास्ट, हाँ जी लास्ट टॉपिक आ गया। अच्छा सुहानी क्या बोली, एक थर्ड वाला पॉइंट रिपीट, अरे मतलब विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आउटसोर्स करेगी तो इंडिया की इज्जत बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता होता है, ठीक है। चलो जी डीमोनेटाइजेशन की सच्चाई बताता हूँ, रुके रहना, आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले एक बार देख लूँ, देखो जी लाइव क्लास के अंदर बच्चा अपने डाउट्स भी पूछ सकता है, अब यहाँ बच्चों ने डाउट पूछे है, ठीक है। अच्छा जी सिद्धांत जी, भाई वो इंडिया का नाम भारत हो रहा है कुछ हो रहा है, इस चीज बाद में पता लगेगा होगा नहीं होगा। अमित कुमार अपलोडेड है, नोट्स वाले सेक्शन में जाके ले लो, चैप्टर टू के नोट्स अपलोडेड है। क्या इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिमिट बढ़ा दिया ताकि फॉरेन कंपनी और अच्छे तरीके से इंडिया में आ जाए? तो हानि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी यार, क्योंकि तो सरकार की कंपनी को लॉस हो रहा था ना, वो रीजन बताया था, गवर्नमेंट नहीं चला पा रही थी अपनी, ठीक है, इसलिए नीड हुई उसकी। और एंटरप्राइज का मतलब कंपनी होता है करण, कोई भी फर्म आप करो, कवर अप है। बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के अंदर, बच्चे को अब पता है कि 2023 चल रहा है, तुमने भी देखा है भैया कि हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी जिसके अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूज चैनल में आके बोल दिया, आज रात 8 बजे से हमारे देश में, ऐसे नहीं बोला सॉरी देखो वो नहीं आता सी बात ना, ऐसे बोलता, आज रात 12 बजे से हमारे देश में 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी नोटबंदी हो गई थी, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। क्या लिखा है डीमोनेटाइजेशन का मतलब, इट मींस विड्रॉ ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी फ्रॉम यूज, विड्रॉ कर लो एग्जिस्टिंग करेंसी को यूज करने से, मतलब अब ये यूज में नहीं आएंगी, ये बंद हो गया था हमझाम, ठीक है जी। तो और आगे कराने से पहले मैं प्यार से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उस्ताद, आप मुझे बता देना मजा आया ना है। तो जी क्वेश्चन है, हु वॉज द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1990 व्हेन इकोनॉमिक क्राइसिस वाज अनफोल्डिंग, जब देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, प्रॉब्लम आई, तो देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम? 30 सेकंड्स में आपको इस बात का जवाब देना है, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी ही चाहिए, बेसिक नॉलेज है दोस्तों जो होनी चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है ओके, रिपोर्ट है, बच्चा फिर डेंजर से बाहर है, बच्चे को अगर आंसर पता है तो। दोस्तों जब प्रॉब्लम चल रही थी तब चंद्रशेखर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो चौथा इज द राइट आंसर, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, हर्षिका पुष्कर सुहानी शिवांग और यशपाल आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, लिखा है व्हाट डिड द इंडियन गवर्नमेंट डू टू गेट लोन फ्रॉम आईएमएफ, आईएमएफ मतलब
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने के लिए भारत ने क्या किया था? गेव गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज कोलेटरल. कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी, कुछ भी गिरवी रखवाना. सरकार ने बॉन्ड रख दिए थे गिरवी, या फिर गेव इंडियाज गोल्ड रिजर्व, सरकार ने सोना रख दिया था गिरवी, या मेड बिजनेस डील करी थी कोई विदेशों के साथ उस टाइम, या फॉलोड प्रोटेक्शनिज्म ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को बचाने की कोई नीति फॉलो की थी. क्या किया था मतलब उधार तो लिया था यार, $7 बिलियन का अमाउंट लिया था, उसके लिए किया क्या था? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, है ना? ये बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या किया. $7 बिलियन का लोन लेने के लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया? तो तेरा नाम लिया और फिर क्या किया बताओ जल्दी. पानी पी लूं फिर बताता हूं मैं आगे. चलो जी उस्ताद, देखो भाया, गवर्नमेंट ने यार हमारे देश का गोल्ड रिजर्व सोना गिरवी रख दिया था लोन लेने के लिए, तो दिस वन इज द ट्रू. ठीक है, शिवांग, रोहन, मिताली, आकाश और कुमार तन्मय आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर. अब आपको एक्चुअली मैं ना ये बता रहा था, 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, है ना? उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने हैंड टू हैंड ये बोल दिया था कि नए 500 के नोट आएंगे और अब 1000 का नोट तो आएगा नहीं, कभी 2000 का नोट आएगा. क्या लगता है आपको कि एक ही बार ऐसा हुआ है, एक ही बार ऐसा हुआ है क्या नोटबंदी? नहीं नहीं, ये नोटबंदी कि हमें पहले भी हो चुकी है, 1946 आज़ादी से एक साल पहले भी हुई थी और 1978 में भी हुई थी. इंडिया में 5000 का नोट, 10000 का नोट ये भी बैन हो रखे हैं, नोटबंदी बहुत पहले से हो रखी है. ठीक है, और अभी रीसेंट फेनोमिना यही देखने को मिला था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई. नोट बंद करने से होता क्या है? मान लो कोई नोट चल रहा है मतलब ऐसे चलने का चलन में है, सरकार उसको बंद कर देती है. बंद करने से फायदा क्या होता है एक्चुअली? सरकार ने क्या सोचा आप देखो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि नोटबंदी करने से टैक्स इवेजन रिड्यूस हो जाएगी. टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, ऐसे रिड्यूस हो जाएगी. आप सुनो, देखो जी, अब एक बंदा टैक्स देता नहीं है सरकार को, ठीक है, नहीं देता. अब सरकार ने उसको बोला 500 और 1000 के नोट बंद, तो एक्सचेंज करा ले, तो फिर वो बैंक में जाएगा, 500 और 1000 के नोट सरकार के पास या बैंक के पास जमा कराएगा और फिर बोलेगा कि अब मुझे नए वाले नोट दे दो. बैंक के पास रिकॉर्ड आ गया, तेरे पास इतना पैसा था भाई, अब तो इस पे टैक्स दे. उस बंदे को अपनी इनकम की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी और टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स की चोरी कम हो जाएगी. ठीक है जी, अगला, टू ब्रिंग ब्लैक मनी बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम. अब जो ब्लैक मनी थी, जो दो नंबर से लोगों ने पैसा कमाया था, अब उसको भी एक्सचेंज कराने के लिए लोग लेकर आएंगे बैंक के अंदर, तो वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा. बैंकिंग सिस्टम में आया हुआ पैसा देश के पास रिकॉर्ड हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर टू फाइट विद करप्शन. सरकार ने भैया करप्शन कम करने के लिए नए नोट लॉन्च किए थे, ऐसा बोला गया था पहले कि 1000 का नोट हाई डिनोमिनेशन का होता है, एक बार में लाखों रुपया कोई भी ट्रैवल करके लेके जा सकता है, तो करप्शन उससे बहुत होता है. सरकार ने 2000 का नोट चालू किया वो और जल्दी लाखों रुपए का लेन देन कर देता है, पता नहीं क्या हुआ इससे, करप्शन कैसे कम हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब चाह रही थी सरकार कि इससे हो जाए. टू कर्ब टेररिज्म, टेररिज्म पे रोक लगाना, कर्ब मतलब कम करना, टेररिज्म मतलब आतंकवाद कम करने के लिए भैया नोटबंदी कहाँ हुई? देखो ऐसा था, टेरर फंडिंग हो रही थी, टेररिस्टों के पास इंडिया की करेंसी थी 500 और 1000 रुपए के नोट. अब सरकार को लगा कि नई करेंसी लॉन्च कर देंगे तो टेररिस्ट तो बैंक में नहीं आएंगे वो नोट को एक्सचेंज करने के लिए, सरकार को लगा था ऐसा. ठीक है, तो लगा था, सरकार का ऑब्जेक्टिव था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन यार नोटबंदी के बाद भी बहुत टेररिज्म हुआ है, उन पे 2000 के नोट भी पाए गए, लगा ली उन्होंने, क्या करूँ मैं.
लेकिन ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट्स नहीं है, ध्यान रखना, बेनिफिट्स नहीं है, फायदे नहीं है। टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। अब सरकार सोच रही थी, सरकार की बात बोल रहा हूँ बार बार, मतलब देश में पॉलिसी बना के ये सोचा गया कि 2000 के जो नए नए नोट आएंगे, ठीक है, वो नोट जो नकली करेंसी है उसको स्टॉप कर देंगे। मतलब क्योंकि जिसके पास नकली करेंसी होगी वो बैंक के अंदर जाकर उसको चेंज तो करा नहीं पाएगा, नकली करेंसी धरी की धरी रह जाएगी। पेपर में आया था कुछ दिन पहले कि 2000 के नोट भी बहुत सारे नकली पकड़े गए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ? तब दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नोटबंदी करके हमें सोच रहे थे ये सब कुछ अचीव हो जाएगा। ये आपके कोर्स में है, ठीक है, ये आपके कोर्स में है भाई, ठीक है, ओके रिपोर्ट। तो यार इसके साथ मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दो आप, आपसे बीच में क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। हु वॉज इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 91? इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहे थे तो भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदंबरम या निर्मला सीतारमण? बता दो जरा आंसर, आपके पास 30 सेकंड्स है इस चीज के लिए। सामने से हट रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर रहे। दक्ष शर्मा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलो जी। हाँ, नोट्स आरबीआई बनाती है एंड कोई भी नोट्स अपने हिसाब से नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है निका, लेकिन कॉपी हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत नुकसान राज्य, नुकसान बहुत हुए हैं भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, ध्यान रखना दोस्तों। चलो जी, वन इज द राइट आंसर, देखते कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, सुहानी, शिवांग, सचिन, पुष्कर, मुक्ति एंड मिताली आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत उम्दा खेले, तालियां आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ जी, एक बार मैं चाहता हूं वीडियो कॉल हो जाए यार उस्ताद, हैं, वीडियो कॉल हो जाए तो थोड़ी देर में करते हैं वीडियो कॉल के लिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लूं, ये लिखा है अंडर हूज प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी किसकी प्रधानमंत्री गिरी के अंदर, डिड द गवर्नमेंट ब्रिंक अबाउट लिबरलाइजेशन इन इंडियन मीडिया? तब इंडियन की मीडिया के अंदर भी लिबरलाइजेशन आया, पहले सिर्फ सरकार के पास थी मीडिया, जब लिबरलाइजेशन आया तब प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, पी वी नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 45 सेकंड्स हैं, अच्छा टाइम दे दिया है मैंने, बढ़िया लेवल का। अभिषेक सिंह, मूवी साहब, यशिका गोयल, असद, रणवीर, कुश, पवन, लोगर, बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो जी भाई, टाइम इज अप दोस्तों। देखो मुद्दे की बात आपको बताता हूं, यहां पर थे थर्ड नंबर पे, फंस गए भाई। प्राइम मिनिस्टर लिखा है, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, तो बच्चे मनमोहन सिंह भी इसका आंसर सोच रहे थे। पुष्कर, जशन, मोहित, टीना और विनीत आर द टॉपर्स। देखो जी, जब देश में प्रॉब्लम आई, क्राइसिस आया, तो चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। जब देश में प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े दिनों में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे, और इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर सॉल्विंग के टाइम पे मनमोहन सिंह थे। बात को ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, शिव कन्या, हाँ बस देख लो भाई क्या हो रहा है अमेरिका।
ओके रिपोर्ट है। चलो जी, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, इंस्टा की आईडी पे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व नहीं होते, आपके पास डाउट इंजन स्पेशल बना रखा है, वहां पर जबरदस्ती तरीके से आपके डाउट 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, मजा आ रहा है बच्चों को लिटरली, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब दोस्तों आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं, आज की क्लास में मजा ही आ गया होगा, सुनते रहना, आप सुनना मेरी बात। मैंने आपको शुरू शुरू में प्राइवेटाइजेशन बताया, उसके मेजर्स बताए, जब सरकार अपनी कंपनी का ओनरशिप या मैनेजमेंट ट्रांसफर कर रही होती है प्राइवेट सेक्टर को, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों ये देखो, ये लाइन भी लिखी है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच रही होती है ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और यार एनसीईआरटी में प्राइवेटाइजेशन का एक नाम और लिखा है, डीनेशनलाइजेशन, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता, अब पढ़ लिए तो पता लग गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। इट इज प्राइवेटाइजेशन। फिर हमने यहां कैच किया ग्लोबलाइजेशन का, यार ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का आउटकम है, ठीक है यार। वीडियो कॉल के अंदर ना थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ का आज प्रॉब्लम है, इसलिए आज वीडियो कॉल नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कंवरपाल सिंह, मैं अवेलेबल कराता हूँ वाले नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराता हूँ, टेंशन मत, ठीक है। अभिषेक सिंह, रिकैप का मतलब होता है पुराना रिवाइज कराना, ठीक है जी। अच्छा जी, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने क्या किया, हमने बाहर से आने वाली कंट्री से जो कंपनीज थी उनके लिए एफडीआई लिमिट बढ़ा दी, इक्विटी शेयर लिमिट बढ़ा दी, कि तुम ज्यादा पैसा इंडिया में लगा सकते हो, और बहुत सारे टैक्सेस कम कर दिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं, मिनट्स है ना, लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पाबंदी हटाना, ये बात कही जाती है कि पहले देश के अंदर चलता था लाइसेंस परमिट कोटा राज, हमने इसका खात्मा करके देश में लिबरलाइजेशन के थ्रू एलपीजी राज लेकर आए, यानी एलपीक्यू की जगह एलपीजी आ गया। कैसे, लिबरलाइजेशन के अंदर आपको देश के अंदर सुधार पढ़ने हैं, 5 पॉइंट थे, लेक्चर नंबर 1 में थे वो 5 सुधार, ठीक है। क्या क्या थे, नंबर 1 हमने वहां पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, नंबर 2 टैक्स में रिफॉर्म्स किए, नंबर 3 बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए, नंबर 4 हमने वहां पर फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म किए, नंबर 5 हमने फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, चलो जी बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, बच्चा कुछ पूछ रहा होगा डाउट के अंदर लाइव क्लास में। मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया अंश, बहुत बढ़िया बोले। आकाश जी आवाज तेज कर सकते हो आप अपने आप, वरना मैं देखता हूँ इस चीज को, क्या ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके। नोटबंदी क्यों की थी हरदेश, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स में वो चीज थी, ओके रिपोर्ट है। माइक्रो और मैक्रो की जो क्लासेस हैं बिल्कुल आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में बता देता हूँ। डीनेशनलाइजेशन का मतलब जशन प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है, कहते हैं क्या, नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण होता है, मतलब चीज, सरकार जब चीजों को अपने कब्जे में लेती है नेशनलाइजेशन, जब सरकार किसी के लिए अपना कब्जा छोड़ती है तो दिस इज कॉल्ड डीनेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट के एक्शन है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब तुम मेरे एक क्वेश्चन का प्यार से जवाब दोगे, प्यार से जवाब दोगे कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट, किसको बोलते हैं, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा,
राव, ऑप्शन थ्री प्रशांत चंद्र महाला नोबिस, और चौथा ऑप्शन बहुत ज्यादा खुश करने वाला मोदी जी। बताओ जरा किसको बोलते हैं भाई, 30 सेकंड्स का तुम्हारे पास टाइम है, फिर आपको बताता हूं मेन चीज, जल्दी 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 बताएंगे। मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं ताकि आपको आसानी से पूरा क्वेश्चन दिख जाए, जल्दी। जल्दी 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 टाइम खत्म होने वाला उस्ताद, चलो जी टाइम इज अप। दोस्तों आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महाला नोबिस को बोलते हैं, सेकंड फाइव ईयर प्लान से ये हमारे देश के वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुकी है तो हमारा आंसर यहाँ पर सी बनता है, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। सचिन, रोहन, मिताली, आकाश और सुहानी आर द टॉपर्स। आपको बताता हूँ आज की क्लास में जो लीडर बोर्ड चल रहा है, लीडर बोर्ड के लिहाज से अगर आप देख पाओगे तो आपको बताता हूँ, नंबर वन पे पुष्कर, नंबर टू पे काम्या, फिर सुहानी, फिर विनीत, फिर राहुल, फिर रितिका, फिर रक्षा तिवारी, फिर आशिका, फिर प्रिंसी, फिर सिद्धांत। दीज आर द उम्दा खेलने वाले प्लेयर्स ऑफ टुडेज क्लास। आपको बताता हूँ, देखो अभी इस चैप्टर की एक क्लास और रह गई है, जो बच्चा नवरत्न महारत्न को लेकर कंफ्यूज है, या जो एलपीजी पॉलिसी का इम्पैक्ट जानना चाहता है, या कुछ चटपटे अटपटे क्वेश्चन करना चाहता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चन दोस्तों आपको आज क्या हो गया तुम्हारा मंडे, वेडनेसडे को कराए जाएंगे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को शाम को 5:30 बजे मिलेंगे लाइव, ठीक है, और इस चैप्टर को खल्ली बल्ली कर देंगे। उस चैप्टर में बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो गए हैं, आप खत्म कर दोगे उम्मीद है, तो आज की क्लास में दोस्तों फिर बाय बाय कर लेते एक बारी, आज की क्लास के लिए इतना ही, बस प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्यार बच्चा बरसाता रहेगा, प्यार चालू रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ओके आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।